रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरमीन के किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज अरमीन के किचन में बेरिक बन रहा है, उसके लिए पहले मैं आटा गूंदूंगी। ये मैंने 1 किलो आटा लिया है और इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें ये बेकिंग पाउडर जाएगा, 15 ग्राम बेकिंग पाउडर है, ये पूरा डालूंगी मैं इसमें। इसे इसमें अच्छे से शामिल करके पहले इसे मिक्स कर लूँ, फिर बाद में तेल और दूध से आटा, तेल डालूंगी फिर दूध से आटा गूंदूंगी। इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँ। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ना। अब ये तेल डालूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा तेल डालना है, 5 टेबल स्पून के करीब इसमें तेल डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है और दूध डालूंगी मैं, दूध से आटा गूंदना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें दूध डालूंगी। नीम गरम दूध है ना, नीम गरम दूध से इसको नॉर्मल आटा गूंदना है, जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं। ये आटा तकरीबन तैयार हो चुका है। मैं तेल के हाथ लगाए, मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है हाथों में, थोड़ा सा तेल लगा के फिर इसको दोबारा से गूंद रही हूँ। 2 मिनट के लिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, अब तेल लगा के फिर से गूंद रही हूँ। इस तरह से सॉफ्ट सी एक डो बना लेनी है बस। अब इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको बनाऊँगी। इतनी देर तक मैं कीमा तैयार कर लेती हूँ उसमें फिलिंग के लिए ना। मैं कीमा बनाऊँगी इसके लिए, बेरिक के लिए अब मैं कीमा बना रही हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा तेल चाहिए, तेल ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो जब ये बेक होगा तो सारा तेल बाहर आ जाएगा। इसमें तेल ज़्यादा नहीं डलता है। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। 2 मीडियम साइज की प्याज थी, बारीक बारीक चॉप कर लें, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको सौते करना है। बहुत ज़्यादा इसकी बूनाबानी नहीं करनी पड़ती है। प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब मैं इसमें कीमा शामिल करूंगी। 1/2 किलो कीमा है, इसको थोड़ी देर भूनना है जब तक इसकी हीट खत्म नहीं हो जाए, इसका पानी नहीं खुश्क हो जाए। मसाले फिर मैं बाद में शामिल करूंगी जब ये थोड़ा सा भून जाएगा, नहीं तो फिर इसमें स्मेल आती रहती है। अभी इसका पानी सूखने लगा है, अब मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी। सबसे पहले इसमें नमक शामिल करूंगी, 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आटा गूंथते हुए भी 1 टेबल स्पून डाला है ना, 1 टीस्पून नमक डाला है तो इतना बहुत होगा इसके लिए। 1 टीस्पून काली मिर्चें डालूंगी इसमें, मोटी मोटी कूट ली हैं ये। 2 टीस्पून में इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ी सी स्पाइसी हो तो अच्छी लगती है, लेकिन नॉर्मल ये लोग नहीं डालते हैं इसमें, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। एक टेबल स्पून इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, इसको भी इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है। और 2 मोटी मिर्चें हैं, वो भी मैं इसमें शामिल करूंगी, हरी मिर्चें। ये मिर्चें तेज नहीं है, ये मिर्चें तेज नहीं है, आप अपने हिसाब से मिर्चें डालिएगा। मैंने दो बड़ी वाली मिर्चें डाली हैं। तो अच्छे से भूनना है बस, अब ये तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं चीज और पेटरसेली शामिल करूंगी। अभी ये रेडी है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ठंडे होने का इंतजार करूंगी, फिर इसमें चीज और पेटरसेली शामिल करके फिर मैं इसकी फिलिंग करूंगी। ये कीमा ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें
पेटरसेली डालूंगी, ये पेटरसेली मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। एक पूरी गड्डी मैंने पेटरसेली की ली है। इसको अच्छे से साफ करके धो के बारीक बारीक काट लें, इतना भी बारीक नहीं हो लेकिन हाँ ठीक है, वो मोटा मोटा हो इस तरह का, इसको काट लें और फिर इसे मिक्स करना है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। पेटरसेली इसमें ज्यादा डलता है, आपकी मर्जी है, अगर आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पेटरसेली डलता है। अब मैं इसमें केजी चीज भी डालूंगी, ये है तकरीबन आधा किलो के करीब है। इसको इस तरह से हल्का हल्का सा कर लें, तोड़ लें हाथों से, मोटे मोटे से इसके इस तरह से कर लें बस। बहुत सॉफ्ट होता है ये, तो इसको इतनी ज्यादा तोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है, मिक्स करते हुए खुद ही हो जाएगा। इस तरह से करना है इसे। थोड़ा सा टूट गया, इतना पतला होना चाहिए जैसे हम लोग पूरियां बनाते हैं ना, इस तरह से बहुत पतला होना चाहिए। और इसे अच्छे से फैला देना है सब तरफ, मतलब सब तरफ पूरे में नहीं फैलाना, आधे में फैलाना है इस तरह से। इसको हाथों से ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीज जो है ना वो बहुत सॉफ्ट है, तो जिस चीज से भी निकालें उसी में ही चिपक जाती है। इस तरह से कर लिया, और आपकी मर्जी, अब आप इसको राउंड शेप में बनाएं, लंबाई में बनाएं, जैसे भी बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको कैसा पसंद है। और अब इसे फोल्ड करना है इस तरह से, जैसे पराठे को फोल्ड करते हैं इसी तरह, लेकिन अच्छे से फोल्ड करना है कि कहीं से बाहर ना रह जाए। मैंने थोड़ा सा योगर्ट लिया था, और 2 टेबल स्पून योगर्ट लिया है, और 1 टेबल स्पून इसमें बटर डाला है इसके ऊपर लगाने के लिए। अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर आएगा फिर इससे ना। अगर आप इसमें दूध शामिल करना चाहें तो दूध भी शामिल कर सकते हैं, दूध से भी अच्छा कलर आता है। इस तरह से अलसी के बीज हैं मेरे पास, मैं वो डाल रही हूँ थोड़े से, आपकी मर्जी है, आपके पास अगर हैं तो डाल दें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और थोड़ी सी कलौंजी, खूबसूरत लगता है, ज़रा कलर वाइज अच्छा लगता है सब। बस अब ये ओवन में जाएगा, 200 सेंटीग्रेड पे इसको मैं बेक करूँगी। ये जल्दी बन जाता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि कीमा वगैरह तो सब बना हुआ है ना, और किसी चीज़ को तो उसको बनाना तो है नहीं, पकाना तो है नहीं ज़्यादा देर तक। ये मज़ेदार सा कीमे वाला बोरिक तैयार है, आप भी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। कैसा बना मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे फीडबैक दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बहुत ही लजीज रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।